वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे जॉन डन से रिलेटेड एक पोएम क्वेश्चन। जॉन डन एज अ मेटाफिजिकल पोइट। मेटाफिजिकल पोइट्स कौन से होते हैं जो मतलब अपनी कविताओं में, अपनी पोइट्री में ऐसी ऐसी चीज़ों का यूज़ करें जो बियॉन्ड फिजिकल हो, मतलब जो अपने जो फिजिकल वर्ड है उससे परे हो, बहुत बढ़ा चढ़ा के, मतलब फिजिकल चीज़ों की तुलना जो है वो मतलब पैरानॉर्मल चीज़ों से करें। इस तरह की जो पोइट्री होती है उसको बोलते हैं मेटाफिजिकल पोइट्री। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। जॉन डन इज़ द लीडर एंड फाउंडर ऑफ द मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री। जॉन डन जो है मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री, मेटाफिजिकल पोइट्री के फाउंडर थे और लीडर थे। हिज पोइट्री इज़ अ रिवोल्ट अगेंस्ट द पॉपुलर करेंट। उसकी जो पोइट्री थी वो उस समय का जो पॉपुलर रिवाज था या पॉपुलर तरीका था पोइट्री लिखने का, उसके विरुद्ध एक क्रांति थी। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्राइडन यूज द टर्म मेटाफिजिकल फॉर डन्स पोइट्री। सबसे पहले ड्राइडन ने डन की पोइट्री के लिए मेटाफिजिकल वर्ड का यूज़ किया। ही सेड डन अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स। उसने कहा कि डन जो है वो मेटाफिजिक्स को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। लेटर ऑन डॉक्टर जॉनसन कॉल्ड डन एंड हिज फॉलोअर्स द मेटाफिजिकल पोइट्स। और उसके बाद डॉक्टर जॉनसन ने जॉन डन को और उसके फॉलोअर्स को मेटाफिजिकल पोइट्स कहा। सिंस देन द वर्ड मेटाफिजिकल हैज़ बीन यूज फॉर डन एंड हिज फॉलोअर्स। और तभी से मेटाफिजिकल वर्ड का यूज़ होने लगा डन के लिए और उसके फॉलोअर्स के लिए। जॉन डन रोट ऑन द थीम्स ऑफ लव एंड रोमांस। जॉन डन ने ज़्यादातर पोइट जो है लव और रोमांस के थीम पर लिखी, बट स्टिल हिज लव पोइम्स आर फुल ऑफ विट एंड इंटेलेक्चुअलिज्म। लेकिन जो उसकी, फिर भी उसकी जो लव पोइम्स थी, लव पोइम्स थी लेकिन उनमें विट और इंटेलेक्चुअलिज्म दोनों चीज़ था। विट होती है एक बुद्धि या फिर एक चुलबुलापन, और इंटेलेक्चुअलिज्म आध्यात्मिकता, मतलब प्रेम भरी कविताओं में भी आध्यात्मिकता की झलक थी। दैट इज़ वाई ही स्टैंड्स आउट ऑफ ऑल अदर्स एलिजाबेथन पोइट्स। और इसीलिए वो और जो सभी अदर एलिजाबेथन पोइट्स थे उनसे अलग थे। Some of the best known poems of John Donne, which are also known as metaphysical poems. John Donne की कुछ poems जो metaphysical poems कहलाती हैं वो हैं The Good Morrow, और दूसरी है A Valediction Forbidding Morning, The Canonization, Death Be Not Proud और Sunrising etc. The term metaphysics means something supernatural or something beyond physical. Metaphysical का मतलब है कुछ supernatural या कुछ physical से, यानी कि जो हम चीज़ देख, भौतिक जो संसार है उससे कुछ आगे बढ़कर। It is concerned with fundamental problems of life and death and soul even after death. It is इसका संबंध किससे है? फंडामेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ एंड डेथ, जीवन और मृत्यु की जो समस्याएं हैं उनको ध्यान में रख के ये पोएम्स लिखी गई हैं। और बल्कि सोल, डेथ के बाद जो है सोल है जो हमारी, उसको ध्यान में रखते हुए ये पोएम लिखी गई है। द टर्म मेटाफिजिकल पोएट्री मीन्स पोएट्री डीलिंग विद मेटाफिजिकल सब्जेक्ट। ऐसी पोएट्री जो मेटाफिजिकल सब्जेक्ट से डील करती हो, मेटाफिजिकल सब्जेक्ट से संबंधित हो। इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री। तो अब हम आगे पढ़ेंगे मेटाफिजिकल पोइट्री की करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है, क्या क्या विशेषताएँ होती है, क्या क्या होता है मेटाफिजिकल पोइट्री में। फर्स्ट इज नोवल थॉट एंड एक्सप्रेशंस। नोवल थॉट्स मतलब नए विचार, न्यू, नए विचार और एक्सप्रेशन। डन्स पोइट्री इज़ प्योरली इंटेलेक्चुअल एंड इट मेक्स एन अपील टू द इंटेलेक्चुअल्स। डन की पोइट्री जो है वो बिल्कुल शुद्ध रूप से इंटेलेक्चुअल है, आध्यात्मिक है, और ये इंटेलेक्चुअल्स को अट्रैक्ट करती है। हिज थॉट्स आर ऑफन न्यू। उसके जो विचार हैं अक्सर नए होते हैं। ही हैज़ एक्सप्रेस्ड हिज थॉट्स इन अ यूनिक मैनर। उन्होंने अपने विचारों को एक अलग अद्भुत तरीके से एक्सप्रेस किया है। इन शॉर्ट ही प्लेड विद थॉट्स, मतलब संक्षेप में कहा जा सकता है कि वो थॉट्स के साथ, विचारों के साथ खेलते थे। इन द पोएम द कैनोनाइजेशन एंड डेथ बी नॉट प्राउड, वन कैन ईजिली फाइंड डन्स न्यू थॉट्स एंड एक्सप्रेशंस। उनकी पोएम्स द कैनोनाइजेशन और डेथ बी नॉट प्राउड में कोई भी आसानी से जो है न्यू थॉट्स और एक्सप्रेशंस को ढूंढ सकता है, देख सकता है। द मेजर क्वालिटी ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री इज कॉम्बिनेशन ऑफ थॉट्स। मेटाफिजिकल पोइट्री की जो सबसे बड़ी क्वालिटी होती है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ थॉट्स।
एंड फीलिंग्स और फीलिंग्स का थॉट्स और फीलिंग का कॉम्बिनेशन मेटाफिजिकल पोएट्री की सबसे बड़ी विशेषता होती है। एंड डन इज़ द मास्टर ऑफ प्रेजेंटिंग टुगेदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स विच हैव ए रिमोट सिमिलैरिटी बिटवीन दैम। और डन जो है वो इस कला में माहिर है। इन दोनों चीज़ों को वो इकट्ठा एक डिफरेंट तरीके से अलग भी करता है और उनमें सिमिलैरिटी भी दिखाता है। इस चीज़ में डन जो है वो बड़ा माहिर है। ही कनेक्ट्स द एब्स्ट्रैक्ट विद द कंक्रीट। वो एब्स्ट्रैक्ट भाव को एक स्थूल चीज़ के साथ कनेक्ट करता है। द रिमोट विद द नियर एंड द मेटाफिजिकल विद द कॉमन प्लेस। दूर और पास के चीज़ों को एक मेटाफिजिकल वे में कनेक्ट करता है। ठीक है, एक जैसे अर्थ की कोई घटना हो और एक यूनिवर्स की ऊपर की कोई घटना हो तो इन चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से मेटाफिजिकल तरीके से वो कनेक्ट करता है। तो ये है नोवल थॉट्स एंड एक्सप्रेशंस। सेकंड है कंसीट्स। कंसीट्स होती है कंपैरिजन। कंसीट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री। कंसीट एक मेटाफिजिकल पोएट्री का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, फीचर है। डन मेक्स एन अबंडेंट यूज ऑफ कंसीट्स। डन की पॉइंट्स में बड़ी प्रचुर मात्रा में कंसीट्स का यूज किया गया है। द कंसीट इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स। कंसीट का मतलब क्या है? दो बिल्कुल अलग अलग चीज़ों का कंपैरिजन करना। इन शॉर्ट इट इज़ ए फार फैच्ड कंपैरिजन। यह एक बड़ी दूर से लाया गया कंपैरिजन है, मतलब बड़ी बहुत दूर की दो चीज़ों को जो बिल्कुल अलग है एक दूसरे से उनका कंपैरिजन किया गया है यहाँ पे। वी कैन ईजिली पॉइंट आउट सम ऑफ द कंसीट्स इन डन्स पोइट्री। डन की पोइट्री में से हम ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, पॉइंट आउट कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे कंसीट्स का यूज़ हुआ है। हिज विट एंड कंसीट्स शो हिज डीप लर्निंग। उन्होंने अपनी पोइट्री में जो विट का यूज़ किया है और जो कंसीट्स का यूज़ किया है वो उनकी डीप लर्निंग को दिखाते हैं। द रेंज ऑफ हिज इमेजरी इज़ वास्ट। और उनकी जो कल्पना शक्ति है, जो चित्र प्रदर्शन की जो शक्ति है वो बड़ी विस्तृत है। ही कंपेयर्स हिज फेस एंड द फेस ऑफ हिज बिलव्ड टू। वो अपने फेस को और अपने बिलव्ड के फेस को टू हेमोस्फेयर से कंपेयर करता है। हेमिस्फेयर्स मतलब जो गोलार्ध होते हैं, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, उनसे कंपेयर करते हैं अपने और अपने बिलव्ड के फेस को। विच मेक्स ए ग्लोब। वो हेमिस्फेयर्स जो एक ग्लोब बनाते हैं। इन ऐसी चीज़ों के साथ वो अपने उन दोनों के फेस को कंपेयर करता है। बट द वर्ल्ड दे बिल्ड टुगेदर इज सुपीरियर टू द अर्थली ग्लोब। लेकिन उन्होंने जो वर्ल्ड मिलकर बनाया है वो अर्थली ग्लोब से बिल्कुल अलग है। उनका जो प्रेम का संसार है वो बिल्कुल अलग है। इन गुड मोरो ही सेज। और गुड मोरो में वो कहते हैं, माई फेस इन दाइन आईज, दाइन इन माइन अपीयर्स, वेयर कैन वी फाइंड टू बेटर हेमिस्फीयर्स। वो कहता है कि मेरा फेस तुम्हारी आंखों में और तुम्हारा फेस मेरी आंखों में प्रकट होता है, तो हम इनसे बेटर दो हेमिस्फीयर और कहाँ ढूंढेंगे। दिस इज़ ए गुड एग्जाम्पल ऑफ कंसीट इन जॉन डन्स पोइट्री। इसमें मतलब एक्सप्लेनेशन जो ट्रांसलेशन मैंने की है ये मैटर नहीं करती, लेकिन उसने जो कहने की कोशिश की है वो बड़ी ही सुंदर ढंग से इसमें कहा गया है। एक बड़ी सुंदर कंसीट का इसमें यूज़ किया है। My face in thine eyes, thine in my appears, where can we find two better hemispheres? The most famous and striking example of the conceit is the comparison of a man who travels and his beloved who stays at home to a pair of compass in a valediction for bidding morning. सबसे बढ़िया जो example दिया है उन्होंने conceit का वो है, एक poem है उनकी, a valediction for bidding morning। उसमें जो एक आदमी होता है वो ट्रैवल करता है अपने घर से दूर, मतलब दूसरे देश में जाके, विदेश जाता है वो ट्रैवल करने के लिए, लेकिन उसकी बिलव्ड जो है वो घर पे ही होती है। तो वो उन दोनों के प्रेम को एक कंपास से कंपेयर करता है। कंपास मतलब प्रकार जो होती है ना, प्रकार से जब हम कोई भी सर्कल बनाते हैं तो एक पैर उसका सेंटर में फिक्स होता है और दूसरा पैर उसका ऐसे सर्कल बनाते हुआ एक पॉइंट से जाता है और दूसरे पॉइंट पे मिल जाता है। तो इसमें एग्जांपल क्या दिया है कि हमारा जो प्रेम है, हमारा जो रिश्ता, हमारी जो रिलेशनशिप है वो कंपास की तरह है। अगर मैं बाहर मतलब घूमने के लिए जाता हूँ तो जो दूसरा
पैर है कंपास का, यानी कि अपने आप को वो कंपास का एक फुट कहता है जो बाहर घूमता है, और दूसरा जो फुट है प्रकार का वो उसको उसने उसकी संज्ञा उसने अपने बिलव्ड को दी है कि अगर मैं बाहर घूमने जाता हूँ तो तुम्हारा क्या फ़र्ज़ है कि अपनी जगह पर स्थिर रहो, जहाँ पे तुम हो वहीं बिल्कुल फिक्स रहो, परफेक्ट रहो। अगर तुम अपनी जगह पे परफेक्ट रहती हो तो मैं घूम के जहाँ से गया था वहीं पे आ जाऊँगा। तो सिंपल सी बात है, अगर हम थोड़ा सा भी बीच सेंटर जो है उसका थोड़ा सा भी इसको हिला देंगे तो जो सेकंड फीट है, जो आउटर फीट है कंपास का, तो वो जहाँ से चला था वहाँ आके नहीं मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, अगर तुम अपनी जगह पे फिक्स रहोगी तो मैं भी वापस घूम के वहीं आ जाऊँगा। तो उनके प्रेम को, उनके रिलेशनशिप को उसने एक कंपास की संज्ञा दी है, जो बहुत ही बढ़िया कंसीट का यूज़ इसमें किया गया है। यूज़ ऑफ विट, तब विट क्या होता है? विट होता है एक जैसे हंसी मजाक, एक अच्छा मजाक जो दो लोगों के बीच में या प्रेमी प्रेमिका के बीच में या किसी के भी बीच में, मतलब हंसी मजाक में वो टोंट मारते रहते, बेइज्जती करते रहते एक दूसरे की, लेकिन वो अच्छे वाला मजाक होता है, दूसरे को उसमें आनंद आता है, उन दोनों को भी उसमें आनंद आता है। इस तरह के मजाक को हम विट बोलते हैं। जॉन डन इज़ पैशनेटली विद विटी पैशनेटली विटी एंड विटी पैशनेट। जॉन डन जो थे वो विट का बड़ी पैशनेटली यूज़ करते थे। विट इज़ वन ऑफ द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री। विट जो है मेटाफिजिकल पोइट्री का एक चीफ कैरेक्टरिस्टिक है। दिस इंपॉर्टेंट फीचर कैन बी फाउंड एवरीवेयर इन डन्स पोइट्री। और ये जो विशेषता है डन की पोइट्री में हर जगह पाई जाती है। इट फैशन्स हिज फीलिंग्स एंड थॉट्स। इससे उसकी फीलिंग्स और थॉट्स को मतलब चार चांद लग जाते हैं। हिज विट इज़ यूनिक इन द डिस्कवरी ऑफ कंपेरिजन एंड एनालॉगीज। उसकी जो विट है वो बड़ी अद्भुत है कंपैरिजन और एनालॉगी की खोज में। इट इज़ रियलिस्टिक एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये बड़ी रियल है और स्ट्रेट फॉरवर्ड, बड़ी सीधी सादी सिंपल है। इट लुक्स टू रन साइड बाई साइड विद ह्यूमर एंड आयरनी। इसमें ह्यूमर और आयरनी जो है वो साइड बाई साइड दिखाई देते हैं, ठीक है। व्यंग्य और हंसी मजाक जो है दोनों साथ साथ दिखाई देते हैं। कैरियो सेज इन हिज एलगी ऑन डन। कैरियो अपनी एलगी में डन के बारे में कहता है। एलगी क्या होता है? एक ऐसी पोएम जिसमें मतलब करेक्टर्स और होते हैं लेकिन बात किसी और की हो रही होती है, जो असली घटनाओं पे आधारित जो स्टोरीज होती है, सिर्फ पात्रों के नाम वगैरह, नाम और जगह वगैरह चेंज कर देते हैं, लेकिन वो रियल में किसी स्टोरी पे आधारित होती है। तो कैरी जो है वो अपनी एलगी में डन के बारे में कहता है। हेयर लाइज ए किंग दैट रूल्ड एज ही थॉट फिट। यहाँ मतलब वो डन को एक ऐसा राजा बोलता है जो मतलब जिस तरह चाहे शासन कर सकता है। द यूनिवर्सल मोनार्ची ऑफ विट। वो एक विट के मामले में उसको यूनिवर्सल मोनार्ची बोलते हैं कैरियो। इन द पोएम द सन राइजिंग ग्लोरीफाइंग हिज बिलव्ड ही एम्प्लॉयज मेटाफिजिकल विट एंड एक्स्ट्रावेगेंट कंसीट्स। द सन राइजिंग में भी अपनी जो बिलव्ड है, जो प्रेमिका है उसकी, उसको ग्लोरीफाई करते हुए, उसकी महिमा को बढ़ाते, उसकी महिमा का वर्णन करते हुए वो मेटाफिजिकल विट का और जो कंसीट्स का यूज़ करते हैं। डन सेज, एक एग्जाम्पल भी दिया है, शी इज़ ऑल स्टेट्स एंड प्रिंसेस आई, नथिंग एल्स इज़। वो कहता है कि वो सभी स्टेट्स हैं और मैं उन सभी स्टेट्स का प्रिंस हूँ, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो उसने अपने बिलव्ड को जो है उसकी महिमा को ग्लोरीफाई करते हुए एक उसको एक पूरे सारे सभी स्टेट्स की संज्ञा दी है और अपने आप को उन स्टेट्स पर राज्य करने वाले प्रिंस की संज्ञा दी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। हेयर ही कंपेयर्स हिज बिलव्ड विद ऑल स्टेट्स एंड ही कंपेयर्स हिमसेल्फ विद ऑल द प्रिंसेस। यहाँ पे वो अपने बिलव्ड को सभी स्टेट्स के साथ और अपने आप को एक सभी प्रिंसेस के साथ जो है कंपेयर करता है। आर्ग्यूमेंटेटिव स्टाइल, ये डन जो है अपनी पोइट्री में आर्ग्यूमेंटेटिव स्टाइल का भी यूज़ करते हैं। डन हैज़ प्रेजेंटेड द आइडियाज़ इन द फॉर्म ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। डन जो है अपने आइडियाज़ को अपनी पोइम्स में आर्ग्यूमेंट्स के द्वारा जो है वो प्रेजेंट करते हैं बिटवीन टू डिफरेंट करेक्टर्स, और ये आर्ग्यूमेंट टू डिफरेंट करेक्टर्स के बीच में होता है। इट इज़ अ फ्यूज़न ऑफ पैशनेट फीलिंग्स एंड लॉजिकल आर्ग्यूमेंट। ये पैशनेट फीलिंग्स और लॉजिकल आर्ग्यूमेंट होता है, लॉजिकल और पैशनेट फीलिंग्स के बीच में एक आर्ग्यूमेंट होता है। आर्ग्यूमेंटेटिव मैनर ऑफ स्पीच इज अनदर एलिमेंट ऑफ डन्स पोइट्री। और ये जो तरीका है उनकी पोइट्री का, यानी कि आर्ग्यूमेंटेटिव मैनर जो उनकी पोइट्री का एक अलग एक और एलिमेंट है। ही
ट्राइज टू प्रूव हिज स्टेटमेंट्स थ्रू सॉलिड आर्ग्यूमेंट्स, और वो अपनी जो स्टेटमेंट्स को सॉलिड आर्ग्यूमेंट्स के साथ प्रूव करता है. फॉर एग्जाम्पल, अवर टू लव्स बी वन और यू एंड आई लव सो अलाइक दैट नन डज स्लैकन नन कैन डाई. दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम गुड मोरो. ये लाइन्स जो हैं गुड मोरो में से ली गई हैं. हेयर ही आर्ग्यूज विद हिज लेडी इन ऑर्डर टू कन्विंस हिज लेडी फॉर द लाइफ ऑफ लव. इसमें वो अपनी जो बिलव्ड है उसको कन्विंस करता है एक लव लाइफ जीने के लिए. ही प्रेजेंट्स दिस विटी आर्ग्यूमेंट इन हिज पोएम्स, और इस तरह के विटी आर्ग्यूमेंट्स को वो अपने पोएम में जो है वो यूज करते हैं. आगे है पैराडॉक्सेस. अनदर इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ डन्स मेटाफिजिकल पोएट्री इज द यूज ऑफ पैराडॉक्सेस. एक और जो इम्पोर्टेंट फीचर है डन की पोएट्री का वो है पैराडॉक्सिस का यूज. टू डिफरेंट आइडियाज आर योक्ड टुगेदर. पैराडॉक्स क्या होते हैं, इसमें दो अलग अलग आइडियाज इकट्ठे चलते हैं वायलेंटली बड़े ही जोरदार तरीके से. डन्स पोइट्री इज रिप्लीट विद पैराडॉक्सिस एंड स्ट्रेंज कंट्राडिक्शंस. डन की पोइट्री में जो है पैराडॉक्सिस और कंट्राडिक्शंस का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है. ही इज़ अ ग्रेट लव पोइट. वह एक महान लव पोइट है. समटाइम्स ही इज़ टू ब्लंट दैट ही अपोजिज चाइड्स एंड स्टार्ट्स ब्लेमिंग एंड इवन कर्सिंग हिज बिलव्ड. कई बार वो इतने अपोजिज मतलब इतने ब्लंट हो जाते हैं, इतने क्रूर हो जाते हैं कि वो अपने बिलव्ड को जो है कर्स करना या ब्लेम करना शुरू कर देते हैं. ऑन द अदर हैंड इन फ्लैटरी ही लेफ्ट पेट्रास बिहाइंड. इट इज़ बिकॉज डन इज ए पैशनेट एंड वट एवर ही थिंक्स ही एक्सप्रेसिज एंड इट इफेक्ट्स. या इसलिए है क्योंकि डन जो है बड़े पैशनेट हैं, वो जो भी सोचते हैं वो जो भी एक्सप्रेस करते हैं, जो सोचते हैं उसको एक्सप्रेस करते हैं, जो एक्सप्रेस करते हैं वो इफेक्टिव होता है. एग्जाम्पल ऑफ पैराडॉक्स. पैराडॉक्स का एग्जाम्पल दिया गया है द सन राइजिंग में. शी इज ऑल स्टेट्स एंड ऑल प्रिंसेस आई नथिंग एल्स इज. ठीक है, इसमें भी जैसे दो विचार साथ साथ चल रहे हैं. एक उसने अपनी बिलव्ड को स्टेट्स की संख्या दी है और खुद वो प्रिंस बना हुआ है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है. कंक्लूजन, लास्ट में हम कंक्लूड करते हुए कहेंगे डन इज अ मेटाफिजिकल एज वेल एज ए लव पोएट. डन एक मेटाफिजिकल पोएट और एक लव पोएट दोनों है. फॉर हिम लव इज़ नॉट फिजिकल बट स्पिरिचुअल. उसके लिए प्रेम जो है वो फिजिकल नहीं है बल्कि स्पिरिचुअल है. दस इट कैन बी सेड दैट डन प्लग्ड डीप इन मेटाफिजिकल परसूट्स. मेटाफिजिकल फील्ड में डन बहुत गहराई में उतर चुके हैं. हिज सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर हिज ट्रीटमेंट हिज डिक्शन एंड स्टाइल प्रूव हिम टू बी ए ट्रू एंड ग्रेट मेटाफिजिकल पोएट. उसका जो सब्जेक्ट का सिलेक्शन है, सब्जेक्ट मैटर का सिलेक्शन है और ट्रीटमेंट है और डिक्शन और स्टाइल जो है वो उसको एक मेटाफिजिकल पोएट को प्रूव कर होने के लिए प्रूव करता है. तो ये थी डन एज ए मेटाफिजिकल पोएट.